नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार्यकर्ताओं की बड़ी सभा को संबोधित किया। आज प्रदेश की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी की मेगा एंट्री हुई है। खबर है कि केजरीवाल पार्टी के मन से चुनावी वादे करते हुए नजर आए और वादे की जगह उन्होंने तमाम गारंटी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उनके प्रवास को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये पंजाब नहीं है, यहाँ छत्तीसगढ़िया वाद चलेगा। बस्तर और सरगुजा की बात चलेगी, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात चलेगी। वे हिमाचल भी गए थे, वहाँ भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अब वे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले तबादलों का दौर जारी है। मंत्रालय से जल संसाधन विभाग के 33 अफसरों की नई जगह पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया है। विभाग के विशेष सचिव अनुराग पांडे ने यह आदेश जारी किया है। जारी की गई लिस्ट में ज्यादातर सब इंजीनियर्स का ही ट्रांसफर किया गया है। वहीं कुछ सब डिविजन ऑफिसर्स और ई को भी बदला गया है। दुर्ग जिले में डेंगू नाम की बीमारी भयावह रूप धारण करती जा रही है। यहां बीते एक माह की बात करें तो अब तक 70 से ज्यादा मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा भी परेशान है। इससे बचाव के लिए टीमों को अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ रायपुर से भी यहां GFATM की टीम पहुंची हुई है। बीते गुरुवार को 7 मरीज सामने आ चुके हैं। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम घर घर जाकर डेंगू के संबंध में लोगों को जानकारी दे रही है। ये टीमें सभी घरों में जांच भी कर रही है। टीम की माने तो उन्हें अब तक कई घरों में लार्वा मिल चुका है। बड़े डेंगू के मरीजों को देखते हुए रायपुर से गुरुवार को GFATM के राज्य सलाहकार सुरेंद्र कुमार मिश्रा पहुंचे। उनकी टीम ने भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 2 का जायजा लिया। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 24 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तीसरी रेल लाइन के काम के कारण 19 से 30 अगस्त तक गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। इस बार ईस्ट कोस्ट रेलवे के भुवनेश्वर, मंचेश्वर और संबलपुर रेलवे स्टेशन के बीच काम चलेगा। इसी बीच रक्षाबंधन का पर्व भी है, लिहाजा यात्रियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था भी कोई नहीं की है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। नॉन इंटरलॉकिंग का काम 17 से 29 अगस्त के बीच होगा, जिसके कारण हावड़ा रूट की गाड़ियां प्रभावित होंगी। रेलवे ने यह भी दावा किया है कि इस काम के पूरे होते ही गाड़ियों की गति में तेजी आएगी। और फिलहाल कितना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।